दोस्तों ये यहाँ पर पशुओं के लिए जो भी सामान लेना होता है उसके पग में लगाने के लिए, गले में लगाने के लिए, उसको सजावट के लिए यहाँ पर पूरी दुकान लगी हुई है। ये देखिए, तो मैं यहाँ पर ये बता दे दूँ आपको जिस तरह से ये भैंसों के गले में डालने वाली है। ये टल्ले हैं, टल्ले ये गाय भैंस होती है ना। देखिए कुछ इस तरह से अंदर से। दोस्तों अब हम इस वक्त यहाँ पर गोगा मेडी के अंदर ऊँटों का मेला लगता है, वहाँ पर आ गए हैं। तो यहाँ पर ये देखिए कुछ सामान है जो ऊँट को सजाने के लिए इस भाई साहब ने यहाँ पर लगा रखा है। तो यहाँ पर ऊँट लेकर आते हैं, वो उसके गले के अंदर, कुछ पैरों के अंदर ये सामान को लेकर ऊँटों को सजाते हैं। तो ये मेरे फ्रेंड से जो इसके बारे में पूछ रहे हैं और भी जो कुछ सामान ले रहे हैं, तो यहाँ पर देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर किसान है तो इस ऊँट को नचा रहे हैं। ये कैमल डांस है, कैमल डांस दोस्तों, कैमल डांस। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 1500-2000 के लगभग यहाँ पर ऊंट आए हुए हैं। ये तो जी झूठ को बोलो सर, सिद्ध में सही सीधा है कि थे डसांड बेचना या डसांड लेना यो दौड़ गाना या नीरो में देख रहा जो को ढंग पशु है तो ले जावा ये तो बिचारा करोगे शिवम सर ठीक है ताऊ जी और आया हट है मेरे देखना है सके अभी कोई सांड कोई मिला डंगी तो ले लिया रे अबांगे मतलब कोई पसंद आई थी पसंद आई कोई आज तक कोई बैठी कोई ये मेरो आप कल तेजी में एक मंदी में मंदो है मेरो तो ठीक है धन्यवाद दोस्तों। हाँ दोस्तों मैं पहुंच गया गोगा मेड़ी ऊंट मेला के अंदर मारकन है ताऊ जी हमारे सीना जी थे थारो किशो काम ताऊ जी जसानो नाम क्या थारो अमर सिंह तो थे जी ऊंट बेचना एडा होगी ऊंट बेचना एडा कितना ऊंट लेके एडा होती दो ऊंट लेके ले गया कुछ सेटिंग बैठी कौन सर कोई कंपनी से लागे बेचो कोई मैंने पढ़ते कौन पढ़ना रही थे कितनी करोगे अच्छा दो दो टोटी हो छोटी हो थारो ये अच्छा तो ए ताऊ जी अभी थाने कोई तकलीफ कितनी है कोई मत मुझे खबर रात ने मत चल के मैं की पढ़ने कौन दिया कौन दिया कौन दिया है रोट रेड थे आप बनाओ भी ना होटल रेड बनाओ केक रोके हैं आप बनाओ मैं सामान ले अच्छा सामान ले रहा हूं अरे भी अब कल थाने या मेलो के लगा भी मेलो मंदो है तेज है कुकर लगा मंदो है मेरा मेलो मंदो नहीं हर चीज का मांगे हर चीज में रात का आइटम है तो पशुओं के बारे में देखे मेरे पांच चार बिके अच्छा मंदो ही बाकी कौन ही हर साल क्या हर साल हर साल आओगे चलो ठीक है धन्यवाद जी। चलो भाई हमारे दिनेश को यहाँ पर प्यास लग गई थी दोस्तों, तो हम यहाँ पर पानी पी रहे हैं। ये यहाँ पर ऊँट लेकर आए हैं, किसान है आपका, कौन सा गांव है भाई साहब? बाड़मेर नारा की डाणी। अच्छा नारा की डाणी, बाड़मेर से आए हैं ये। यहाँ पर कितने ऊँट लेकर आए हैं आप? 20 ऊँट लेकर आए हैं। दिन की तलाश रास्ते 15 दिन लग गए थे रस्ते में आने के लिए।
खाना पीना। आपके कितने ऊंट यहाँ पर बिक चुके हैं? क्या 15 बिक गए, आप 20 लेकर आए थे। हाँ जी ठीक है। और यहाँ पर पिछले साल के बजाय अब की बार मेला तेजी में या मंदी में? अब ठीक है घना तेज नहीं मंदी। पहले के नाम ठीक है। अच्छा आप व्यापारी हो या जमींदार? जमींदार ही हूं। जमींदार के पास 20-20 ऊंट कैसे होते हैं? ये तो खरीद के लावा। अच्छा वहाँ से खरीद लेते हो आप? अच्छा ठीक है, वहाँ से खरीद बाद में जमींदार धंधो कराओ, खेती कूदी साथ में साथ व्यापार भी करते हो आप? साथ व्यापार भी हो गया, वहाँ से खरीद के खेती तो भी धंधो कराओ। चलो चलो खेती को धंधा हमारे। तो ये देखिए दोस्तों, ये है तवा इनका और ये इनका चूल्हा। ये यहाँ पर ही रोटी बनाते हैं, यहाँ पर ही रहते हैं जब तक इनके पूरे ऊंट यहाँ से बिक नहीं जाते। और इनके यहाँ पर ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए टेंट सी, बिरानी टेंट सी है, ये बिरानी टेंट सी है जिसे टिंडी बोलते हैं। हाँ राम राम दोस्तों, मैं पहुंच यहाँ ताऊजी मार साहब ने देखी होगी, थोड़ा न्यूज पे चलाना। सलाम जी, कौन सा गांव है ताऊजी? नोर, प्रॉपर नोर है कि? अच्छा तो आप हर साल आते हो? कभी आ जाओ तो, पहला तो आता है 2-3 साल। कोई है अब की बार ऊँट लेके आओ, सीधा घूमने आया। अच्छा पहली ऊँट आंट लेके आता के? अच्छा तो अब की बार थाने के लगा भी मेड़ो जिया तेजी में या मंदी में? कई विचार है मंदो ही भैया, काल पड़ी काल पड़े मंदो है। और जी ऊंटा आंटा जी अठे लोकल ही है सारा, कोई दूर भी आएगा? कोई दूर सरदार शेर भी आएगा। अच्छा अच्छा, और जी खाने पीने व्यवस्था बाड़मेर से भी आते हैं यहाँ पर राजस्थान के अंदर, नॉर्थ तहसील के अंदर? और जी कोई सुविधा देगी सरकार की? कोई सरकारी इतनी सुविधा देगा, पानी की चेमर लगा दे और पानी पानी और कुछ ही कोनी है। और थरगुन जी जमीन को कोई टैक्स खुंटा कोई फीस? तो बाण जी को बाण पड़े जी को बिल्कुल सरकारी है, देवस्थान है। अच्छा देवस्थान तो वन विभाग है। अच्छा अच्छा चलो ठीक है दोस्तों, मुझे पूछ दिया ना। ठीक है जी। तो दोस्तों यही था यहाँ पर गोगा मेडी के अंदर पशु मेले का सीन जो आपने पूरा इस वीडियो के अंदर देखा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। मैं इसी तरह इस चैनल पर व्लॉग वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। जय जवान जय किसान।